और जहां तक सवाल जहां हम बैठे हैं यहां की बात है, यहां के माननीय नेताजी तो बेचारे दीवा स्वप्न में ही खोए रहते हैं। हमने तो पढ़ा ही अखबारों के माध्यम से, पहले नवरात्र में कह रहे थे लोगों से कि भाई शपथ होने जा रही है नई कुर्ता धोता सिंगा, उसके बाद हुआ नवरात्र बीत गया कि दशहरे के बाद होगी तो फिर नया धोती कुर्ता बना पीले रंग का, फिर वो भी चला गया। पता नहीं भाजपा के लोग उनसे ऐसा मजाक क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हुआ कि भाई दीपावली से पहले शपथ हो जाएगी दिए जल जाएंगे, दीपावली भी बीत गई मगर जहूराबाद में दीपावली नहीं आई। तो बात ये नहीं है। और देखिए अब हम कोई तराजू तो लेके बैठे नहीं कि उनका वजन बढ़ा कि घटा कि क्या हुआ, है ना, वो तो वो जाने और उनके मित्रगढ़ जाने। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि पद की इतनी लालसा जो है इतनी अपलाहट नहीं होनी चाहिए। कर्म कीजिए ना, यहाँ के विधायक हैं, क्षेत्र है, जनता ने चुना है, प्रेम से चुना है, तो क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए। मंत्री क्या बड़ी चीज है आप बताओ, है प्रेम से चुना है तो क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए। मंत्री क्या बड़ी चीज है आप बताओ, होती है। मैं तो यहाँ पर 2012 में विधायक चुनी गई तो 3 साल तक तो मैं मंत्री नहीं थी ना, मुझे कोई अपलाहट भी नहीं थी, मैं अपना काम कर रही थी। तो कार्य करना चाहिए। जहां तक सवाल है, देखिए देश की राजनीति में निश्चित रूप से उलटफेर होगा, युवा वर्ग परिवर्तन चाहता है, उत्तर प्रदेश में भी होगा और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, अच्छी संख्या में उनके सांसद जीत के जाएंगे और देश में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का उभार हो रहा है, इंडिया गठबंधन अच्छा चुनाव लड़ेगा। लेकिन वास्तविकता जो है वो ये है कि इंडिया गठबंधन से घबराहट है और घबराहट इतनी है कि हम तो ये देख रहे हैं कि खास करके जो हिंदी के अखबार हैं वो इंडिया गठबंधन लिखते ही नहीं है, नहीं लिखते हैं, वो पूरा नाम लिखते हैं और इसको राजग लिखते हैं। अरे भाई इसको अगर राजग लिखते हो, उसको कुछ लिखते हो तो ये भी संप्रग लिखते थे तो इसको इंडिया हो रहा है तो लिखने में क्या दिक्कत है, तो नहीं लिखते हैं। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है और परिवर्तन निश्चित रूप से होगा क्योंकि लोग बातों से उब गए हैं और चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अगर ईवीएम का खेल नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 24 नया संदेश लेके आ